नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव बीते दिनों यूपी के वाराणसी पहुंचे थे। यहां वो एक होटल में ठहरे थे। खबर आई है कि वहां के मैनेजर के बिना अनुमति उनके कमरों में प्रवेश किया और उनके सामान निकालकर बाहर रख दिया। इस मामले में होटल मैनेजर के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी। अब इस मामले में होटल के मैनेजर ने अपनी बात कही है। उन्होंने कहा है कि होटल का कमरा सिर्फ एक दिन के लिए ही बुक था, दूसरे दिन होटल खाली करने का अल्टीमेटम भी दे दिया गया था। बावजूद इसके होटल का कमरा खाली नहीं किया गया, ना ही पेमेंट हुआ। उनका कहना है कि तेज प्रताप के बंद कमरे में भी उनका सामान अभी भी पड़ा हुआ है। चंडीगढ़ स्टेट कंज्यूमर कमीशन ने ट्रेन यात्रियों के हक में एक अहम फैसला सुनाया है। कमीशन ने कहा है कि अगर ट्रेन के आरक्षित डिब्बों में यात्री का सामान चोरी हो जाए तो यात्री के चोरी हुए सामान की भरपाई रेलवे को करनी होगी। ट्रेन में हुई स्नैचिंग की एक वारदात के लिए रेलवे को जिम्मेदार ठहराते हुए रेलवे को यात्री को सामान की कीमत अदा करने का आदेश भी दिया है। साथ ही साथ 50,000 रुपए जुर्माने के तौर पर भी रेलवे को देने होंगे। बिहार में लीची के उत्पादन में सुधार के लिए राज्य सरकार और राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र बागानी करने वाले किसानों को फल की नई विकसित किस्मों का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। राज्य के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा है कि भारत में कुल लीची उत्पादन का 43% बिहार में होता है और देश में लीची की बागानी का रकबा देश के कुल रकबे का 35% है। कोरोना वायरस फिर से सरकार की चिंता बढ़ा दी है। जहां रोजाना के केस की संख्या बढ़ती जा रही है, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 5,880 में नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 35,199 हो गई है। सासाराम नालंदा में हुई हिंसा को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इसमें केवल मुसलमान और लड़कों को और बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा। उनका कहना है कि एक तरफ जहां पुलिस हिंदुत्ववादियों को जेल भेजने के मुसलमान लड़कों और बच्चों को गिरफ्तार कर रही है, तो वहीं बिहार के सेक्युलर सीएम और डिप्टी सीएम को फैंसी ड्रेस से फुर्सत ही नहीं है। यूक्रेन की पहली उप विदेश मंत्री एमिन दादा पोरोवा सोमवार को भारत पहुंच गई है। वह अपने 4 दिवसीय दौरे के लिए भारत आई है। इस दौरान भारत के अधिकारियों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा करेंगी। इस दौरान उनका फोकस यूक्रेन की मौजूदा स्थिति को लेकर भारत के अधिकारियों के साथ चर्चा पर रहेगा। जानकारी के मुताबिक एमिन दादा पोरोवा के भारत दौरे का मकसद रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में भारत का यूक्रेन के लिए समर्थन हासिल करना है। बिहार के सहरसा में शनिवार को पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा है कि बदले की राजनीति मत कीजिए। इसके बाद उन्होंने कहा है कि अमित शाह जी के बिहार है, इसको मत लटकाइए, नहीं तो लटक जाएगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर से भारत की विदेश नीति की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद भारत की तरह रूस से सस्ता तेल लेना चाहता था, लेकिन ऐसा करने में हम सक्षम नहीं हो पाए क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव में हमारी सरकार गिर गई। बेगूसराय में रविवार को 4 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री सह सांसद गिरिराज सिंह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर मीडिया से बातचीत भी की। शहरों के नाम बदलने वाले बयान पर उन्होंने कहा है कि आजादी से पहले मुगलों का राज था। मुगलों के द्वारा धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया, नालंदा जैसे ज्ञान विज्ञान के केंद्र को भी तोड़ा गया। खिलजी ने यह सब किया है। आज बख्तियारपुर और बेगूसराय जैसे शहरों के नाम के बदलने की जरूरत है। मेरी सरकार अगर बनेगी तो गुलामी के सारे चिन्हों को हटा दिया जाएगा। यह कोई तुष्टिकरण की राजनीति नहीं है क्योंकि यह भारत के बाकी मुसलमान भी मुगल के वंशज नहीं है, हमारे ही वंशज हैं। मार्च महीने के आखिर में और अप्रैल महीने के शुरुआत में हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई थी, लेकिन अब तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा और देश में गर्मी ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया है और बताया है कि अगले 3 से 5 दिनों में गर्मी मुसीबत बढ़ाने वाली है। IMD ने बताया कि आने वाले दिनों में कई राज्यों में तापमान में 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। फ्लाइट में यात्रियों द्वारा किए जाने वाले हंगामे की घटनाएं कम होती नहीं नजर आ रही हैं। ताजा मामला एयर इंडिया के दिल्ली से लंदन के लिए उड़ान भरने वाले फ्लाइट का है। दरअसल एयर इंडिया की AI-111 फ्लाइट में सवार एक यात्री ने जमकर उत्पात मचाया। हालांकि इस मामले की वजह से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर चुके विमान को वापस लैंड कराया गया और अधिकारियों ने उस व्यक्ति को विमान से नीचे उतार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सेना में भर्ती की केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ 2 अपीलों को सोमवार को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने टिप्पणी में कहा है कि यह योजना मनमानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक हित अन्य विचारों से अधिक महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अग्निपथ योजना शुरू होने से पहले रक्षा भर्ती प्रक्रिया में चयनित हो चुके उम्मीदवारों को नियुक्ति का अधिकार नहीं है।
भारत में बाघों की संख्या 2006 में 1411 थी, जो 2022 में बढ़कर 3167 हो गई। लेकिन उनकी सुरक्षा की दिशा में अभी कई चुनौतियां हैं जिनसे निपटने की जरूरत है। स्टेटस टाइगर 2022 रिपोर्ट में यह बात कही गई है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के मौके पर जारी आंकड़ों से पता चलता है कि बाघों की संख्या 2006 में 1111, 2010 में 1706, वही 2014 में 2226, 2018 में 2967 और 2022 में 3167 थी। आज वर्ल्ड होम्योपैथी डे है। यह दिन मनाने का खास मकसद है होम्योपैथ की चिकित्सा पद्धति को पूरी दुनिया में जागरूक फैलाना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चिकित्सा पद्धति के बारे में जागरूक करना। पूरी दुनिया में बेहतर इलाज के लिए कई तरह की चिकित्सा पद्धति अपनाई जाती है, जैसे एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथ आदि। आजकल के मॉडर्न लाइफ स्टाइल में लोग एलोपैथी के जरिए ज्यादा बीमारी का इलाज करवाते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों ने जवानों की विकलांगता पेंशन की जांच के लिए पैनल का गठन किया है। इस इंटर सर्विस पैनल की अध्यक्षता आर्मी के एडजुटेंट जनरल करेंगे। विकलांगता पेंशन के तहत जवानों को उनकी विकलांगता के मुताबिक उनकी कुल पेंशन के ऊपर 30% तक का अधिक भुगतान किया जाता है। जानकारी के मुताबिक विकलांगता पेंशन पिछले दो दशकों में काफी हद तक बढ़ी और 2022-23 में लगभग 4,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। वहीं 2023-24 में कुल रक्षा पेंशन 1.38 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के जाने माने नेता थे, लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। कांग्रेस में महत्व न मिलने के बाद ही आजाद ने कांग्रेस के सफर को रोक दिया था। इसके बाद लगातार गुलाम नबी आजाद कांग्रेस को लेकर खुलासे कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि मुसलमान होने की वजह से मैं कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन पाया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पदाधिकारी को विदेश दौरे पर रोजाना $1,000 का भत्ता मिलेगा और वह प्रथम श्रेणी में यात्रा करने का हकदार होगा। इन पदाधिकारियों के भत्ते के इजाफे में प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए रविवार को शीर्ष परिषद की बैठक में रखा गया, लेकिन यह पिछले साल अक्टूबर से प्रभावी है। 7 साल से अधिक समय बाद दैनिक भत्तों में इजाफा हुआ है। बता दें कि इससे पहले दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड के पदाधिकारियों को विदेश दौरे पर प्रतिदिन $750 मिलते थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सांसद के रूप में अपनी अयोग्यता के बाद पहली बार 11 अप्रैल को केरल में अपने पूर्व निर्वाचन क्षेत्र वायनाड का दौरा करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान वह एक जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो भी करेंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने कहा है कि उसकी ओर से भेजी गई भ्रष्टाचार के शिकायतों पर सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक, बीमा कंपनियां और सरकारी विभाग 1 महीने के अंदर तथ्यात्मक रिपोर्ट मुहैया कराए। इस कदम का मकसद भ्रष्टाचार की शिकायतों पर वक्त पर कार्रवाई सुनिश्चित करना और अत्यधिक विलंब को रोकना है। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने नए आदेश में कहा है कि आयोग की ओर से भेजी गई शिकायत संचार मिलने के बाद मुख्य सतर्कता अधिकारी प्रासंगिक रिकॉर्ड दस्तावेजों की जांच के आधार पर 30 दिन के अंदर तथ्य परख रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने रविवार को कहा है कि क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में बड़ा कद रखते हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रधानमंत्री पद के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबसे लोकप्रिय चेहरा प्रियंका गांधी वाड्रा है। कृष्णम ने कहा है कि कांग्रेस के तहत बहुत से कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि देश की जनता के बीच भी यह संदेश है कि प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के सामने यदि कोई लोकप्रिय नेता हो तो भाजपा को शिकस्त दी जा सकती है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के छात्र संस्कार मिश्रा ने देश का नाम रोशन कर दिखाया है। संस्कार मिश्रा जापान में अपने देश का तिरंगा लहराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दरअसल संस्कार मिश्रा को टोक्यो यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर द्वारा रिसर्च करने के लिए आमंत्रित किया गया। यह मौका संस्कार को इसलिए मिला क्योंकि उनकी रुचि शुरू से ही फिजिक्स में है। संस्कार साल 2021 में ही जिस विषय पर रिसर्च कर रहे हैं उसी विषय पर रिसर्च करने के लिए उन्हें टोक्यो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर योशिया वाटको ने खुद आमंत्रित किया है। अगले माह से दिल्ली को एक और बस सेवा मिलने जा रही है, लेकिन खास बात यह है कि यह बस सेवा दैनिक यात्रियों के लिए नहीं है बल्कि पर्यटकों के लिए होंगी। इस बस सेवा के लिए 5 टूर तय किए गए। इसमें स्मारक, धार्मिक स्थल, शॉपिंग रूट, संग्रहालय रूट के लेकर पार्क और गार्डन टूर शामिल होंगे। अगले माह से शुरू कर दिए जाने की योजना है। दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार के दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम ने यह नया प्लान बनाया है। कांग्रेस वायरस संक्रमण के ओरिजिन पर चीन ने एक बार फिर से चौंकाने वाले दावे किए हैं। चीनी वैज्ञानिक ने दावा किया है कि हो सकता है कि कोरोना वायरस इंसान से ही आया हो। बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के टोंग युगांग ने बताया है कि वुहान स्थित हुआनान सी फूड मार्केट को वायरस का ग्राउंड जीरो साइट माना गया है। रिसर्च के आधार पर उन्होंने बताया कि यहाँ इंसानों से ही वायरस फैला था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अरुणाचल प्रदेश में आज ब्राइवेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। चीन की ओर से अरुणाचल के 11 इलाकों का नाम बदलने जाने के बाद अमित शाह का यह पहला दौरा है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत बॉर्डर क्षेत्र के गांवों में आधारभूत ढांचे का विकास किया जाना है। इस दौरे का मुख्य केंद्र बिंदु ओजो जिले के किबुथू गांव को बनाया गया है। यहीं से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत होगी।
कश्मीर घाटी और लद्दाख क्षेत्र के बीच हर मौसम में संपर्क कायम रखने वाले रणनीतिक जोजिला सुरंग का काम तेजी गति से जारी है और 40% से ज्यादा खुदाई का काम भी हो चुका है। कंपनी के अनुसार दिसंबर 2026 तक इस परियोजना के पूरे होने की उम्मीद है। वहीं सोमवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में संसदीय सलाहकार समिति दौरा कर परियोजना की स्थिति का जायजा लेगी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए आईपीएल 2023 के 13वें मुकाबले में केकेआर को 3 विकेट से जीत मिली। इस जीत के रियल हीरो रिंकू सिंह रहे, जिन्होंने बल्ले के कोहराम मचाते हुए गुजरात के हाथों जीत छीनी और एक ऐतिहासिक जीत दिलाई। अडानी समूह की कंपनी अडानी पावर लिमिटेड ने एक बयान में कहा है कि झारखंड के गोड्डा में 800 मेगावाट क्षमता की पहली ताप विद्युत इकाई से उत्पादन शुरू हो गया है। अडानी पावर ने रविवार को कहा कि उसने झारखंड के गोड्डा स्थित अपने बिजली उत्पादन संयंत्र से बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति करनी शुरू कर दी है। इस संयंत्र से पैदा होने वाले 748 मेगावाट बिजली कंपनी समझौते के अनुरूप बांग्लादेश को भेजी जा रही है। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तेलंगाना में वंशवाद संबंधी उनकी टिप्पणी को लेकर पलटवार करते हुए रविवार को भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी सुविधा की राजनीति करती है और पार्टी द्वारा पूर्व में विभिन्न राज्यों में वंशवादी राजनीतिक परिवारों के साथ गठबंधन करने के उदाहरण उल्लेखित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भारत राष्ट्र समिति प्रमुख एवं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर कटाक्ष किया और राज्य सरकार के विकास से संबंधित कार्यों में कोई बाधा नहीं आने देने का आग्रह किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने रविवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इस बार मामला तमिल भाषा से जुड़ा हुआ है। बता दें कि मुख्यमंत्री स्टालिन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस भर्ती परीक्षा में हस्तक्षेप करने की मांग की। स्टालिन ने सीआरपीएफ परीक्षा में तमिल भाषा को शामिल नहीं किए जाने पर अपना विरोध जताते हुए इसे भेदभावपूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं अमित शाह से तमिल और अन्य राज्य भाषाओं को शामिल करने के लिए अधिसूचना को तत्काल संशोधित करने का अनुरोध करता हूं। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है जितेंद्र ठाकुर, रविशंकर, अभिषेक राज, एच के मल्होत्रा, स्वर्णेश्वर कुमार, एमडी साकिर हुसैन, नौशाद रजा, अकबर अंसारी, रौनक, संजय चौधरी, त्रिलोक कुमार, नयन कुमार, अंशुप्रिया, संतोष यादव, भगवान मिश्रा और अर्जुन नावा। बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, गर्मी के मौसम में आपका पसंदीदा फल कौन सा है? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।